रेलवे मंत्रालय के लिए हुई घोषणा पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्री निर्मला जी, रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और रेलवे राज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी के प्रति इस अवसर प्राप्ति पर आभार प्रकट करती हूँ। भारतीय रेल देश के विकास का इंजन के रूप में सेवारत है। भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूरे देश को जोड़ती एक अति विश्वसनीय और सरल संपर्क व्यवस्था है हमारी भारतीय रेलवे। इस बजट में आदरणीय सभापति जी, इस बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बजट में साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया गया है। 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस वर्ष 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क का फिर संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही रेलवे किराए पर सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है। रेलवे में निजी भागीदारी के साथ सरकार देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। भारतीय रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। सौर ऊर्जा से रेलवे इंजन चलाने के लिए प्रकल्प भी तैयार किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर क्रमांक एक को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा, ऐसा भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी बताना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी विकास के अंतर्गत वडोदरा महानगर निगम द्वारा वडोदरा में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी निर्माणाधीन है। मैं देश के रेलवे मंत्री जी से ये भी जो बजट में लिया है कि देश के 500 रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति में है। मैं देश के रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की आभारी हूँ। मेरा वडोदरा लोकसभा भी इस मॉडल रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल किया गया है और 17.50 करोड़ की आवंटित धनराशि से हमारे वडोदरा का मुख्य रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में निर्माण कार्य हो रहा है। वडोदरा का 48वां ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान की गई है। वडोदरा गुजरात राज्य की शिक्षा, कला, संस्कृति और खेल कूद की नगरी के रूप में जानी जाती है। वडोदरा का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। देश का दूसरा और गुजरात का सर्वप्रथम एक समर्पित स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय वडोदरा के देसर तालुका में निर्माणाधीन है। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूं कि आपने देश की सर्वप्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी को हमारे वडोदरा लोकसभा में स्थापित और विकसित करने का निर्णय लिया है। रेलवे यूनिवर्सिटी के निर्माण और संपूर्ण विकास हेतु 25 करोड़ की धनराशि का आवंटन हो गया है। देश की सर्वप्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी के आने से वडोदरा की शिक्षा नगरी के परिचय में प्रचुर मूल्य वृद्धि हुई है। मैं सभापति जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वडोदरा में करीब पिछले 69 वर्षों से नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे वहाँ कार्यरत है। देश भर से नव नियुक्त रेलवे अधिकारी को अपने परिवीक्षा काल में प्रशिक्षण और तालीम हेतु ये नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे आना पड़ता है। इसी भव्य संकुल में 2 वर्ष पूर्व ही देश का सर्वप्रथम नेशनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रारंभ हुआ। इस NRTI शिक्षा भवन का उद्घाटन आदरणीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी के कर कमलों से हुआ था। इसी NRTI में देश भर से आए विद्यार्थी
वडोदरा की अति प्रतिष्ठित महाराजा सर सयाजीराव विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से बीबीए इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और बीटेक इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी देश के भविष्य के ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल निर्माण कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कांग्रेस के नेता आदरणीय अधीरंजन जी की बात भी सुनी और उन्होंने उनकी बात में देश के प्रधानमंत्री की सोच, प्रधानमंत्री के बारे में और बुलेट ट्रेन के बारे में भी जिक्र किया। मैं आदरणीय अधीरंजन जी को बताना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री की तौर पे जब हमारे मैं अधीरंजन जी की और कांग्रेस को बताना चाहती हूँ कि वडोदरा वासी और वडोदरा के जन प्रतिनिधि की तौर पर गौरव से कह सकती हूँ कि देश का सर्वप्रथम पीपीपी मॉडल से निर्माण हुआ आदर्श बस स्टेशन वडोदरा में सेवारत है। ये आदर्श बस स्टेशन का निर्माण, लोकार्पण और शिलान्यास गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हुआ था। यह आदर्श बस स्टेशन के रूप में ढांचा और सुविधा किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो ये जो अधीरंजन जी बोल रहे थे, तो मैं वडोदरा में उनको ये हमारा आदर्श बस स्टेशन देखने के लिए निमंत्रण करती हूँ। और साथ में ये बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हाई स्पीड के बारे में बताया, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वडोदरा लोकसभा के सांसद के तौर पर मुझे सदन को बताते अपार गौरव हो रहा है कि देश की सर्वप्रथम बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच सेवारत होने वाली है, जिसका प्रमुख स्टॉपेज वडोदरा भी है। बुलेट ट्रेन परिचालन के लिए वडोदरा को देश का एकमात्र हाई स्पीड ट्रेन का तालीम केंद्र प्राप्त हुआ है, जहां 3000 से भी अधिक कर्मयोगी तकनीकी प्रशिक्षण हेतु लेने हेतु वडोदरा आएंगे। आदरणीय सभापति जी, वडोदरा की भव्य भूमि हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि है। लगभग एक दशक से भी अधिक समय के बाद वडोदरा के दूसरे राज्य के लिए एक नई ट्रेन प्राप्त हुई है। सुसंयोग है कि यह नई ट्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि को जोड़ती और सेवा भूमि को जोड़ती, ये ट्रेन यानी सेवा भूमि सेवा क्षेत्र यानी वाराणसी को जोड़ती देश की दूसरी महामना ट्रेन वडोदरा से वाराणसी तक की ये ट्रेन की शुरुआत हुई है। और इस ट्रेन का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री के वरद हस्ते हुआ और आदरणीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी और गुजरात राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में हुआ था। करीब 9 वर्ष के बाद वडोदरा के अहमदाबाद तक की दैनिक संकल्प ट्रेन वडोदरा को प्राप्त हुई। इसके अलावा वडोदरा से भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी रेवा को, जो नर्मदा के नाम से भी प्रसिद्ध है, ऐसे वडोदरा से मध्य प्रदेश के रेवा तक की साप्ताहिक महामना ट्रेन का सेवा का प्रारंभ भी वडोदरा से हुआ है। इन सभी यात्री सुविधाओं के लिए मैं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रगतिशील बजट में भारतीय रेलवे के प्रति लिए लाइन डबलिंग, गेज रूपांतरण, लाइन सेग्रीगेशन, रेलवे क्रॉसिंग को समापन करना, रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा, सीसीटीवी से नियंत्रण और रेलवे यार्ड का विकास जैसी अति महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे 2 मिनट और देना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आदरणीय वित्त मंत्री श्री निर्मला जी और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी और राज्य मंत्री सुरेश जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूं कि इस बजट में उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा लोकसभा में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए
887 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से आनंद गोधरा लाइन डबलिंग, अहमदाबाद गोधरा लाइन सेग्रीगेशन, समलाया टिंबा करजण गेज रूपांतर, दभोई चाणंद केवड़िया गेज रूपांतर, वडोदरा छोटा उदयपुर धार रेल लाइन, वडोदरा छोटा उदयपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण, वडोदरा गेरतपुर लूप लाइन, वडोदरा RRI और केबिन सिग्नलिंग, मियागाम करजण दभोई सबवे समलाया टिंबा लाइन समाविष्ट है। यह सभी विकास कार्य वडोदरा रेलवे के सर्वांगी विकास और बहु क्षमता सुधार में अति मूल्य योगदान देने का कार्यक्षम रखता है। आदरणीय अध्यक्ष जी एक मिनट, वडोदरा रेलवे के इतिहास में पहली बार वडोदरा में एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है, जो छायापुरी रेलवे स्टेशन, जो आने वाली नजदीकी भविष्य में कार्यरत हो जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के बाद वडोदरा को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन मिला है। और साथ में मैं एक मांग रखना चाहती हूं कि आदरणीय राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित है, मैं ये मांग रखना चाहती हूं कि हमारा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन, उनको सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि गत बजट में वडोदरा से छोटा उदयपुर से धार इंदौर रेलवे लाइन की विद्युतीकरण का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पूरे देश और विश्व के आकर्षण का केंद्र ऐसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक वडोदरा से दभोई और दभोई से केवड़िया ब्रॉडगेज लाइन स्थापित करने का कार्य प्रगति में है। देश और विदेश से आए पर्यटकों को लिए वडोदरा से ट्रेन मार्ग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा जाने के लिए प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं मंत्री श्री से मांग रखना चाहती हूं कि मेरा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाया जाए। साथ में मैं दो ट्रेन की भी मांग रखना चाहती हूं। अध्यक्ष जी एक ही मिनट, मेरे वडोदरा से बहुत सारे गायत्री परिवार के हमारे भक्तजन हरिद्वार जाते हैं शांति कुंज के लिए, तो मैं एक वडोदरा से हरिद्वार की ट्रेन भी मांग रखना चाहती हूँ। साथ में मेरे वडोदरा में बहुत सारे सिख परिवार भी रहते हैं, सिख समुदाय रहते हैं, तो मेरी एक दूसरी ट्रेन की मांग है कि वडोदरा से अमृतसर की भी एक ट्रेन हमारे वडोदरा से चलाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूँ, साथ में आपने मुझे बोलने का समय दिया, साथ में मैं मंत्री श्री और राज्य मंत्री श्री की भी आभारी हूँ के और साथ में समर्थन भी करती हूँ ये रेलवे बजट के लिए। धन्यवाद।